ड्रोन पीछे कर, ड्रोन पीछे कर। थाल पीछे करो, थाल थोड़ा नीचे करो। अरे यार इनको बोलो ना यार, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। आगे हाथ मत लगाइएगा। खाली पीछे करो बाबू, खाली पीछे। जय हिंद। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा हाथ नहीं उठ रहा, इतना ज्यादा राखी हो गया यहाँ पर। अब हमको ना एक बार अब जाके दिखाना पड़ेगा इसको खुलेगा कैसे यहाँ पर, एक बार कई आदमी मिलके लगेंगे इसे खोलने के लिए। क्योंकि अभी देखिए इस बार भद्रा भी लग रहा था, तो भद्रा लगने से पहले ही राखी को बांधना होता है या फिर भद्रा खत्म होने के बाद। तो हम लोग भद्रा लगने से पहले रक्षाबंधन को मनाएं, और अभी सारी लड़की लोगों को खाना पीना भी खिलाना बाकी है। इस बार तो रक्षाबंधन इतना ज्यादा हो गया, 7000 से ज्यादा राखी क्रॉस कर गया यहाँ पे। जब राखी को खोलेंगे तो हम आप लोगों को काउंट करके बताएंगे, लेकिन लगभग अभी 7000 से ज्यादा इस बार का रक्षाबंधन बन गया। सारी लड़कियों को रक्षाबंधन, देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और पूरे देशवासियों से कहेंगे अपनी बहनों को पढ़ने दीजिए, बेटियों को जितना पढ़ने दीजिए, पढ़ लिख कर परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करें। उन्हें मत बांधिए बेड़ियों में, उन्हें खुला पढ़ने की पूरी आज़ादी दीजिए, लड़कों के बराबरी। अमीर घर वो नहीं जिसके घर में नोट की पेटी हो, अमीर घर वो होता है जिसके घर में मुस्कुराती हुई बेटी हो। और लोग कहते हैं कि बेटियां ब्याह के दूसरे घर चली जाती है, ये आपकी गलतफहमी है। वो अपना चेहरा बदल के वापस बहू के रूप में आती है, आप समझ नहीं पाते हैं। और अपनी ही बेटी को जब बहू के रूप में सताते हैं तो वो परिवार में ही हमेशा कलह होता है। इसलिए आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपके घर में अगर कोई बहू आ रही है वो ये सोचिएगा कि चेहरा बदल के आपकी बेटी ही आ रही है। और आज हम सब रक्षाबंधन इसलिए मना सके, हम लोग रक्षाबंधन के रूप में बहनों की रक्षा के लिए ये जो राखी बांधी जाती है, आज इस रक्षाबंधन के दिन एक सल्यूट उन भारत के वीर जवानों को जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जिनके वजह से हम लोग आज ये रक्षाबंधन त्यौहार मना पा रहे हैं। तो हम सभी यहाँ से देशवासी भारत के बॉर्डर पर लगे हमारे सभी सैनिकों को, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री, जितने लोग हैं हमारे, सारे लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग वहां अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं तो हम लोग यहां हर त्यौहार को खुशी से मना पाते हैं, और आप लोग को अपने परिवार में आने का भी मौका नहीं मिल पाता है। सारे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चूंकि अभी राखी बनवा के जस्ट उठे ही हैं, और नक्षत्र का भी ध्यान रखना होता है यहाँ पे, अब सब लोग का खाना पीने का भी व्यवस्था देखना है यहाँ पे, फिर हम जब जैसे करते हैं तो फिर हम आपको एक लंबी वीडियो बना के आपको सारी चीज़ों को दिखाते हैं कि इस बार का रक्षाबंधन कैसे लगता। सारे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।